गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ने पुर्तगाल के पोर्टो में खेले गए चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में अपने ही देश के एक अन्य क्लब मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया। चेल्सी की टीम 9 साल बाद यूरोप की चैंपियन बनी है। पहले 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। करीब 14,000 दर्शकों ने स्टेडियम में ये मुकाबला देखा। काई हैवर्ट्ज ने मैच के 42वें मिनट में चेल्सी की तरफ से गोल किया। ये इस मुकाबले का इकलौता गोल साबित हुआ और इसने मैनचेस्टर सिटी का सपना चकनाचूर कर दिया। कोच पेप गुडियोला के गाइडेंस में सिटी की टीम खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। पहले ये मैच तुर्की के इस्तांबुल में खेला जाना था, लेकिन वहाँ कोरोना की वजह से ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन के कारण इस मुकाबले को पुर्तगाल में शिफ्ट किया गया था। चेल्सी ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 13 बार की चैंपियन रियल मैड्रिड हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं सिटी ने सेमीफाइनल में पिछले साल की उपविजेता पेरिस सेंट जर्मन PSG को 2-0 से हराकर पहली बार यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बनाई थी। मैनचेस्टर सिटी की टीम इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।